आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। ये वीडियो है वो टीचर्स इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इससे पहले हमने 37 वीडियो डाल दिए थे, आज ये वीडियो है 38 पार्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड 90 क्वेश्चन हो चुके थे, आज 91 से शुरू करेंगे। बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच टिल एंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो इससे पहले वाला पार्ट है वो 31st है, 31वां भाग है, वो 21 जून को हमने बनाया था। आज 22-23 दिनों बाद ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, क्योंकि इसके बीच में हम इंग्लिश वगैरह इंग्लिश पढ़ाने लग गए, हिंदी वाला पार्ट भी पढ़ाने लग गए, तो इसका ये पार्ट है, एक पार्ट और आएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे टीचर्स इंटरेस्ट में, और में 100-100 क्वेश्चन थे, 100-100, लेकिन इसमें 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा भी है। तो ये फाइनल पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, एक पार्ट और आएगा। आज हम क्वेश्चन लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। 91, अमोंग द टिप्स फॉर द बिगिनिंग टीचर्स वी शुड इंक्लूड। तो ये जो नीचे दी गई बात, इसमें से नए शिक्षकों के लिए मूल मंत्र में शामिल किया जा सकता है, टिप के रूप में शामिल किया जा सकता है, किस बात को शामिल किया जा सकता है? तो दोस्तों, जो पुस्तक का उत्तर है वो ये है कि इग्नोर पेटी वायलेशन दैट डू नॉट इंटरफेयर विथ क्लास वर्क, कि हमें छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, जो क्लास को बाधित नहीं करती हैं, ठीक है, ये उत्तर है। मेरे विचार से ये होना चाहिए था कि कहीं अब हम पढ़ चुके हैं कि मेक श्योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाट यू विल डू इफ दे मिसबिहेव, कि बच्चों को ये भली प्रकार से समझ में आ जाए कि यदि आपने मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया, तो क्या होगा। ये हम कहीं ना कहीं उत्तर दे चुके हैं इस क्वेश्चन का, तो लेकिन पुस्तक में ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 92, द पनिशमेंट फॉर ए गिवन ऑफेंस शुड, किए गए अपराध के लिए दंड देना, पनिशमेंट, पनिश करना, जो ऑफेंस किया है उसके लिए पनिशमेंट देना क्या होना चाहिए। तो यहां आंसर आएगा इसका डी, हैव एज इट्स प्राइमरी पर्पज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें है कि दंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, दंड का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए पनिशमेंट फॉर ए गिवन ऑफेंस। तो पनिशमेंट का, जो दिए गए दंड का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए, प्राइमरी प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति का विकास, ऐसा नहीं है कि वो दंड को किसी को प्रताड़ित करने के दिया गया हो। अध्यापक किसी को दंड देता है तो उसके सुधार के लिए देता है, उसके व्यक्तिगत सुधार के लिए देता है, उसके विकास के लिए देता है, तो उसका उद्देश्य भी यही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, 93, गुड डिसिप्लिन शुड फोकस अपॉन, अच्छा अनुशासन केंद्रित होना चाहिए, गुड डिसिप्लिन, अच्छा अनुशासन किस पे केंद्रित होना चाहिए इनमें से? तो ये दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, प्रमोटिंग प्यूपिल ग्रोथ, छात्रों के विकास के ऊपर फोकस उसका होना चाहिए, अच्छे अनुशासन का, उसके अच्छे अनुशासन की जरूरत भी इसीलिए कि बच्चे का विकास हो, छात्र का विकास हो। क्वेश्चन नंबर 94, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर विद रेस्पेक्ट टू डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज, दैट्स ऑफ, कि कक्षा के अनुशासन के संदर्भ में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है कक्षा के अनुशासन के संबंध। तो यहां दोस्तों आंसर आएगा डी, आप सारे ऑप्शन देख लीजिए, टीचिंग प्यूपिल सेल्फ डिसिप्लिन, विद्यार्थियों को स्व अनुशासन सिखाना, यानी बच्चे अपने आप ही खुद को अनुशासित करना सीख जाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक टीचर की होती है क्लासरूम में डिसिप्लिन करने के संदर्भ में, डिसिप्लिन लागू करने के संदर्भ में। 95, क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड द प्रमोशन ऑफ, कक्षा का अनुशासन किस ओर अग्रसर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सेल्फ डायरेक्शन,
स्वनिर्देशन की ओर, इसका अनुशासन स्वनिर्देशन की ओर अग्रसर होना चाहिए। 96, द मोस्ट वैलिड इंडिकेटर ऑफ गुड क्लासरूम डिसिप्लिन इज, कक्षा में एक अच्छी कक्षा के अनुशासन का सबसे वैध सूचक है, वैलिड इंडिकेटर, वैध संकेतक या सूचक, सबसे वैध संकेतक कि कक्षा में बहुत अच्छा अनुशासन है, गुड इंडिकेटर ऑफ गुड क्लास रूम डिसिप्लिन, अच्छी कक्षा कक्ष के अनुशासन का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है। इसमें आंसर आएगा दोस्तों वो ही स्वनिर्देशन, द एक्सटेंट टू विच प्यूपिल्स एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन, कि विद्यार्थी किस हद तक स्वनिर्देशन का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेते हैं। स्वनिर्देशन का उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, इसका मतलब अनुशासन की तरफ क्लास चली गई। 97, मॉडर्न डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ, यानी कक्षा में आधुनिक अनुशासन, मॉडर्न डिसिप्लिन आधुनिक अनुशासन किस दर्शन पर आधारित है, बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ, कक्षा में जो आधुनिक अनुशासन है वो दर्शन पर आधारित है निम्न में से, तो ये दर्शन की जो बात है ये डी आंसर आएगा, गाइडेंस ऑफ द चाइल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ साउंड मोटिव्स एंड गोल्स, कि बच्चे का अच्छे उद्देश्यों और विकास के लिए मार्गदर्शन, अच्छे उद्देश्य और लक्ष्यों के विकास के लिए मार्गदर्शन, ये इसके ऊपर आधारित है। चलिए दोस्तों 98, द डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन टू विच मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट वुड सब्सक्राइब इज दैट ऑफ डिसिप्लिन इन द सेंस ऑफ, अनुशासन की वह परिभाषा जिसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्वीकारते हैं वह किस सेंस में है, किस संदर्भ में है। तो अनुशासन की आधुनिक परिभाषा है उसको आजकल के जो मनोवैज्ञानिक है वो एक्सेप्ट करते हैं, वो किस सेंस में है, किस संदर्भ में। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, पढ़ लीजिए आप, सी, सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स फॉर सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया हेतु स्वयं पर लागू किए गए नियम। इसका आंसर आएगा सी, सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स फॉर सोशल इंटरेक्शन, स्वयं पर सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया हेतु के लिए स्वयं पर लागू किए गए नियम। ऐसा ये जो आधुनिक साइकोलॉजिस्ट हैं ये ऐसा स्वीकार करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99, क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टू बी टास्क ऑफ, कि कक्षा में अनुशासन की दिशा किस कार्य की ओर होनी चाहिए, कक्षा में अनुशासन की दिशा किस कार्य की ओर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये दो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपने पढ़ लिए होंगे, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, ये भी पढ़ लिया आपने, चेंजिंग द बेसिक एटीट्यूड्स ऑफ चाइल्ड टुवर्ड गुड बिहेवियर। तो मैं प्रश्न दोबारा पढ़ता हूं, कक्षा में अनुशासन की दिशा किस कार्य की ओर होनी चाहिए, तो बच्चे की मूल अभिवृत्ति यानी बेसिक एटीट्यूड्स, बच्चे की मूल अभिवृत्ति यानी रवैये को बदलकर गुड बिहेवियर अच्छे व्यवहार की ओर, टुवर्ड्स गुड बिहेवियर अच्छे व्यवहार की ओर ले जाना, इस दिशा की ओर अनुशासन की कक्षा में अनुशासन की दिशा इस तरफ होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, सो द स्कूल्स प्राइमरी टास्क इन कनेक्शन विद डिसिप्लिन इज, अनुशासन के संबंध में विद्यालय का प्राथमिक कार्य है, स्कूल्स प्राइमरी टास्क इन कनेक्शन विद डिसिप्लिन, स्कूल के अनुशासन के संदर्भ में अनुशासन के संबंध में विद्यालय का प्राथमिक कार्य है। दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, टू प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, पॉजिटिव बिहेवियर सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 101, 101,
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट एक्सेप्टेबल एज ए मेजर एम ऑफ नर्सरी स्कूल एजुकेशन। नर्सरी विद्यालय की शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य के रूप में निम्न में से कौन सा सबसे कम स्वीकृति योग्य है। नर्सरी स्कूल के लक्ष्य होते हैं दोस्तों, उनमें इनमें तीन तो हैं थोड़ा स्वीकृति योग्य है, लेकिन एक ऐसा है जो स्वीकृति के योग्य नहीं है बिल्कुल भी। इसमें सबसे कम स्वीकृति योग्य है सी वाला, ठीक सी सी आंसर आएगा। गाइडेंस टुवर्ड इमोशनल कंट्रोल एंड डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड्स, तो इसका मतलब हुआ भावनात्मक नियंत्रण तथा सामाजिक रवैये, भावनात्मक नियंत्रण तथा सामाजिक रवैये को दिशा प्रदान करना। सामाजिक नियंत्रण और भावनात्मक नियंत्रण और सामाजिक रवैया या अभिवृत्ति की तरफ उसको सही दिशा प्रदान करना। तो ये देखो ये बड़ी बातें हैं, नर्सरी स्कूल के बच्चे की तरफ अपन भावनात्मक कंट्रोल नियंत्रण और सामाजिक जो रवैया है उसका सुधार अपन नहीं करते। LKG UKG में बच्चा जाता है इतनी बड़ी बातें नहीं सीखता है। चलिए आगे चलते हैं, उसका ये लक्ष्य नहीं होता है। द मोस्ट वैलिड आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द नर्सरी स्कूल्स एज पार्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल सिस्टम इज दैट, मोस्ट वैलिड आर्ग्यूमेंट यानी सबसे वैध तर्क जो नर्सरी विद्यालय हैं उनको पब्लिक स्कूल व्यवस्था का हिस्सा होने के पक्ष में सबसे वैध तर्क, वैलिड आर्ग्यूमेंट, सबसे वैध आर्ग्यूमेंट कौन सा है इनमें से, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी आंसर है, इट प्रमोट्स रेडीनेस फॉर स्कूल। तो ये है जो स्कूल जाने की प्रवृत्ति को, स्कूल जाने नर्सरी स्कूल जाने की तैयारी को इससे बढ़ावा मिलता है। तो ये नर्सरी विद्यालय पब्लिक स्कूल व्यवस्था का हिस्सा होने के पक्ष सबसे अच्छा तर्क यही है कि इससे स्कूल जाने की प्रवृत्ति को तैयारी को बढ़ावा मिलता है। चलिए दोस्तों 103, द प्राइमरी एम ऑफ द नर्सरी स्कूल इज, नर्सरी स्कूल का मुख्य उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है क्या है, तो इसमें जो पुस्तक में दे रखा दोस्तों, टू प्रोवाइड कस्टोडियल केयर फॉर चिल्ड्रन ऑफ बिजी मदर्स, व्यस्त माताओं के बच्चों को उचित देखरेख प्रदान करना। एक और पढ़ लेते हैं दोस्तों, ए टू गेट चिल्ड्रन अकस्टम्ड टू स्कूल रूटीन, कि बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी करना, स्कूल जाने की आदत डालना। तो ये मेरे विचार से दोस्तों आएगा यहाँ आंसर, लेकिन पुस्तक में दोस्तों ये दिया हुआ, आप गूगल करके देखेंगे तो भी शायद आपको ये मिल जाएगा। तो मेरे को थोड़ा भ्रम था इस पर, तो मैंने देखा था तो ये आया था, लेकिन पुस्तक में ही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे में पुस्तक वाला, कई बच्चों के पास पुस्तकें हैं तो ऑब्जेक्शन करते हैं सर ये कैसे आया, तो थोड़ा सा मैं विवरण तो दे सकता हूँ लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा दोस्तों। रिसर्च इनटू द इफेक्ट्स ऑफ नर्सरी स्कूल एंड किंडरगार्टन हैज शोन दैट बाय कंपैरिजन विद दोज हु हैव नॉट अटेंडेड, चिल्ड्रन हु हैव अटेंडेड शो। प्रश्न है किंडरगार्टन और नर्सरी स्कूल पर किए गए शोध दर्शाते हैं कि नर्सरी स्कूल नहीं जाने वालों की तुलना में जाने वाले बच्चों की क्या दर्शाते हैं, ये शोध क्या दर्शाते हैं कि नर्सरी स्कूल में कुछ जा रहा है कुछ नहीं जा रहे हैं, तो जाने स्कूल नहीं जाने वालों की तुलना में जाने वाले बच्चों की क्या होता है, तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों बी, सम एडवांटेज इन एडजस्टिंग टू द वर्क ऑफ द प्राइमरी ग्रेड्स, जाने वाले बच्चों की तुलना में अधिक फायदा होता है प्राथमिक स्कूलों में सामंजस्य बैठाने में, ठीक है दोस्तों, सम एडवांटेज इन एडजस्टिंग टू द वर्क ऑफ द प्राइमरी ग्रेड्स, तो प्राइमरी स्कूल में जब वो जाते हैं तो उनको जब वो KG क्लासेज में पढ़ के जाते हैं तो उनको नर्सरी क्लास में KG UKG LKG इनमें पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ वो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में जाते हैं तो उनको वो बैठने में सामंजस्य बैठाने में उनको आसानी होती है, इसका तात्पर्य ये है। चलिए आगे चलते हैं 105, द प्राइमरी एम ऑफ द किंडरगार्टन इज, किंडरगार्टन का जो प्राथमिक उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है सामाजिक
इसमें आएगा दोस्तों सी, सी आंसर होगा इसका, टू प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट एंड डेवलप रेडीनेस फॉर स्कूल। ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, प्राथमिक सामाजिक सामंजस्य, सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक सामंजस्य समन्वय एवं स्कूल जाने की तत्परता को, रेडीनेस को बढ़ावा देना, ये इसका प्राइमरी स्कूल का या केजी का, नहीं सॉरी प्राइमरी एम है केजी का, किंडर गार्डन का जो प्राइमरी एम है वो ये है कि सामाजिक सामंजस्य स्कूल जाने की तत्परता को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंडशिप एज द एलिमेंट्री स्कूल लेवल। तो प्राथमिक स्कूल के स्तर पर बच्चों की मित्रता का प्रमुख कारक आमतौर पर किसे माना जाता है? प्राइमरी लेवल पे बच्चों की जो फ्रेंडशिप है उसका प्रमुख कारक आमतौर पर किसको माना जाता है? चलिए दोस्तों आपने आप ये दो ये ऑप्शन देख लीजिए, आगे और देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा प्रोपिंग्यूटी, डी आंसर आएगा। इसका मतलब होता है आस पड़ोस, इसका अर्थ होता है पड़ोस, आस पड़ोस, तो ये इसका आंसर आएगा। इसको हम नेबरहुड बोल सकते हैं, आप समझ गए होंगे। तो यहां से इसका आंसर यहां आता है। चलो 107, स्टडीज ऑफ रेसिस्टिव बिहेवियर शो दैट इन जनरल सच बिहेवियर, हिंदी में बोल देता हूं, प्रतिरोधी व्यवहार पर किए गए शोध दर्शाते हैं कि सामान्यतः ऐसा व्यवहार तब होता है। तो इसका आंसर कब आएगा, क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी, अकर्स ओनली व्हेन पेरेंट्स आर ऑटोक्रेटिक एंड डोमिनियरिंग। तो दोस्तों हिंदी में बोल देता हूं, सामान्यतः ऐसा व्यवहार तब होता है जब अभिभावक ऑटोक्रेटिक एक तंत्रीय निरंकुश होते हैं और तानाशाह होते हैं। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं 108, इन देयर बिहेवियर टुवर्ड वन अनदर प्री स्कूल चिल्ड्रन टेंड टू शो, प्री स्कूल के बच्चों के आपस के व्यवहार में बच्चे क्या दिखाते हैं, आपस में क्या दिखाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा इसका डी, ए मोर फ्रेंडली एक्ट देन आइदर हॉस्टाइल और रेसिस्टिव एक्ट। तो ये आंसर आएगा, तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते बच्चे, शत्रुतापूर्ण एवं प्रतिरोधी व्यवहार की तुलना में वो बच्चे दोस्ताना व्यवहार दिखाते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार अधिक दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों 109, इन जनरल दोज प्री स्कूल चिल्ड्रन हु मेक द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट्स ऑफ ए फ्रेंडली और न्यूट्रल नेचर आर लाइकली। तो हिंदी में बोल देता हूँ, सामान्यतः ऐसे बच्चे जो सबसे अधिक संख्या में मित्रतापूर्ण या फिर निष्पक्ष सामाजिक संपर्क बनाते हैं वे आमतौर पर कैसे होते हैं दोस्तों? ये इसका आंसर आएगा बी, टू बी चिल्ड्रन हु आर डोमिनेटेड बाई एन ओल्डर सिबलिंग, अर्थात ऐसे बच्चे हैं जिन पर बड़े भाई बहन होते हैं उनका प्रभुत्व होता है, उनका उनकी चवनी चलती है बड़े भाई बहन की। इसको अच्छे शब्दों में समझ लेते हैं, तो ऐसे बच्चों पर आमतौर पर अपने बड़े भाई बहन होते हैं उनका प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं 110, प्रोबेबली द बेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग द चाइल्ड हु डिस्प्लेज नेगेटिविज में इज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स इज, डिस्प्लेस नेगेटिविज्म नेगेटिविज्म एग्जाम्पल्स रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर इज। तो हिंदी में बोल देता हूँ थोड़ा, संभवतः ऐसे बच्चों को जो नकारात्मक हैं नेगेटिव रहते हैं वो, अर्थात आदेशों को मानने से इनकार भी कर देते हैं, तो उनको संभालने का सबसे अच्छा तरीका है, इनमें से कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों सी,
टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रेज हिज फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड्स, कि हर ऐसे मौके पर उनकी तारीफ करें, प्रशंसा करें जब वह सकारात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करें। तो जब भी वो पॉजिटिव हो उनकी तारीफ करें जिससे उन पे नेगेटिविटी हावी नहीं हो। चलिए दोस्तों, अब 111। जनरली द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू डीलिंग विद द चाइल्ड्स एग्रेसिव बिहेवियर इज, सामान्यतः बच्चे के आक्रामक व्यवहार से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है, कौन सा है इनमें से? तो एग्रेसिव बच्चा है, कोई बच्चा है तो एग्रेसिव हो रहा है, तो उससे निपटने का सबसे इफेक्टिव कौन सा तरीका है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी, टू चैनल हिज एग्रेशन इनटू लेजिटिमेट एरियाज ऑफ कंपटीशन, तो उसकी आक्रामकता को अच्छे कार्यों की ओर मोड़े। चलिए दोस्तों 112 क्वेश्चन नंबर 112। उसके साथ साथ मैं एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कि मेरा जो प्रोनंसिएशन और जो मेरा उच्चारण है, समझ गए होंगे हिंदी में भी, तो वो मेरा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो आप इस बात को ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। जो मेरे पास जितना ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। वी आर इंक्लाइंड टू फील मोस्ट सिंपैथेटिक टुवर्ड दोज, कि हम उनके प्रति अधिक सहानुभूति और झुकाव रखते हैं, किनके प्रति रखते हैं इनमें से? तो ये आंसर आएगा दोस्तों बी, विद होम वी कैन मोस्ट रेडली आइडेंटिफाई, जिन्हें हम स्वयं को के व्यक्तित्व के अधिक पास में पाते हैं। तो हम उनके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं और झुकाव रखते हैं, जो जिनका जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है उनका और हमारा व्यक्तित्व एक सा लगभग पास पास होता है, यानी दोनों का व्यक्तित्व अधिक पास पाते हैं कि ये मेरे जैसा ही है, तो उनके प्रति हमारा झुकाव अधिक होता है। आगे चलते हैं मित्रों 130। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज मोस्ट लाइकली टू डिस्प्ले सिंपैथी, निम्न में से कौन से व्यक्ति की सहानुभूति दिखाने की संभावना सबसे अधिक है? ये चार हैं, इनमें से किस व्यक्ति की संभावना सिंपैथी दिखाने की संभावना सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसमें आंसर चौंकाने वाला आएगा, द पर्सन हु स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम द विक्टिम्स मिसफॉर्च्यून, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सहानुभूति दिखाएगा, सिंपैथी दिखाएगा, जिसके पीड़ित की अनहोनी से फायदा होने की संभावना है। पीड़ित का दुर्भाग्य होगा तो वो क्या करेगा, अनहोनी हो जाएगी तो उससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा, संभावना होगी, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सिंपैथी दिखाएगा, सहानुभूति दिखाएगा। कई की बार ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि जो नज़दीक के लोग होते हैं वो सिंपैथी ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि जिसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है विक्टिम से, पीड़ित से, वही सबसे ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। फ्रेंड्स कई बार ऑप्शन भी बदल जाते हैं, ऑप्शन बदल जाएगा तो उत्तर भी बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उनमें सबसे अच्छा आंसर यही है। द पर्पज ऑफ 114, द पर्पज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज दैट ऑफ कि बच्चे के समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य है, बच्चे के सोशलाइजेशन समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? तो इसमें आएगा आंसर दोस्तों, इसमें आंसर आएगा डी, डेवलपिंग पैटर्न्स ऑफ एक्शन एक्सपेक्टेड बाय द सोशल ग्रुप, कि समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहारों के प्रतिमान का विकास, समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहारों के प्रतिमान का विकास, समाज एक प्रतिमान स्थापित कर देता है कि इसको ऐसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए सब लोगों को, तो उसका जब विकास होता है तो वही बच्चे के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। द बेस्ट नोन स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन इज दैट ऑफ, 115 का क्वेश्चन है, सामाजिक भागीदारी के विकास का सबसे प्रसिद्ध अध्ययन किसका है? सामाजिक भागीदारी के विकास का सबसे प्रसिद्ध अध्ययन किसका है? तो ये विद्वानों के नाम दिए गए हैं, इनमें सबसे अच्छा अध्ययन आएगा दोस्तों ये पार्टन, इसका सबसे अच्छा अध्ययन है सामाजिक भागीदारी के विकास का। आगे चलते हैं 116।
सोशल डेवलपमेंट इज एसेंशियली ए मैटर ऑफ, सामाजिक निर्माण आवश्यक रूप से किसकी प्रक्रिया है? सामाजिक विकास आवश्यक रूप से किसकी प्रक्रिया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा सी, द इंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्पज विद दोज ऑफ सोशल ऑर्डर। सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप के अनुसार स्वयं के उद्देश्यों को ढालना, ये सामाजिक निर्माण का आवश्यक रूप से प्रक्रिया है। सामाजिक निर्माण के आवश्यक रूप से किसकी प्रक्रिया है? ये सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप स्वयं के उद्देश्यों को ढालना। चलिए दोस्तों, 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कन्फर्मिटी टू स्पेशल डिमांड्स एंड स्टैंडर्ड्स इज प्रोबेबली मोस्ट एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। सामाजिक मांगों, हिंदी में पढ़ देता हूं, सामाजिक मांगों एवं मापदंडों के अनुपालन को किस आधार पर सबसे उपयुक्त रूप से समझाया जा सकता है? इनमें से देखिए आंसर आएगा डी, द सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय अडल्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। समाज के वयस्कों द्वारा स्थापित फल एवं दंड की व्यवस्था द्वारा, यहां फल एंड दंड की तरह जगह अपन क्या कर देंगे, अपन पुरस्कार और दंड कर देंगे। द सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, यहां पुरस्कार और दंड, इम्पोज्ड बाय अडल्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो वयस्क सदस्य हैं वो, उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित कर रखी है कि किस कार्य पे पुरस्कार देना है, किस पे दंड देना है। तो ये इसका आंसर आएगा दोस्तों, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 118, द फैक्ट दैट बॉयज फाइट एंड जनरली डिस्प्ले ग्रेटर एग्रेसिवनेस दैट गर्ल्स इज प्रोबेबली बेस्ट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन। हिंदी में बोले तो इसको, ये तथ्य है कि द फैक्ट जो लड़के लड़कियों की तुलना में, तो लड़के हैं वो लड़कियों की तुलना में अधिक लड़ाई झगड़ा करते हैं और एग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता दर्शाते हैं, तो इनमें सबसे उपयुक्त रूप से समझाया जा सकता है किन अंतरों के आधार पर, इनमें से किन अंतरों के आधार पर सबसे उपयुक्त रूप से इस बात को समझाया जा सकता है कि लड़के हैं वो लड़कियों की तुलना में अधिक लड़ाई झगड़ा करते हैं, अधिक आक्रामक होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। तो इसमें दोस्तों उत्तर आएगा डी, इनहेरिटेड कैरेक्टर प्रीडिस्पोजिशन यानी आनुवांशिक चरित्र के प्रति पूर्व वृत्ति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 119, चाइल्डहुड गैंग्स शुड बी, बच्चों की गैंग को, इसमें से आंसर देना है, पढ़ लीजिए ऑप्शन, आंसर आएगा डी, एनकरेज्ड विद एडल्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस। तो जो वयस्क हैं उनके मार्गदर्शन और निगरानी की के साथ बढ़ावा चाहिए। तो बच्चों की गैंग को क्या चाहिए, इनकरेज्ड यानी उनका उत्साह वर्धन विद एडल्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस। जो बड़े लोग हैं उनका सुपरविजन भी चाहिए, वीक्षण भी चाहिए और उनका निर्देशन भी चाहिए, मार्गदर्शन भी चाहिए। तो बच्चों की गैंग को निगरानी एवं मार्गदर्शन के साथ बढ़ावा चाहिए। आज 120वां क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद वैंडलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ प्री एडोलसेंट गैंग। प्री एडोलसेंट ये हो गया दोस्तों प्री किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था यानी टीनेज से पहले का समय। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, किसके साथ, कि जो तोड़फोड़ की गई है पूर्व किशोरावस्था में यानी किशोरावस्था से पहले, 10-11 साल के बच्चे जब तोड़फोड़ करते हैं या छोटे बच्चे जब तोड़फोड़ करते हैं तो उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, रीडायरेक्टिंग द गैंग्स इंटरेस्ट यानी गैंग की रुचियों को पुनर्निर्देशित करें। जो गैंग की रुचियां हैं उन, तो वो इसका मतलब खराब हो गई हैं, उनका पुनर्निर्देशन करें और उनकी रुचियां बदलें, उनका मार्गदर्शन हमको करना चाहिए, उनको पुनर्निर्देशन देना चाहिए, निर्देशित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही, इसका एक वीडियो और बनेगा। अब की बार इसको क्वेश्चन 30 बचे हैं,
इसमें 150 क्वेश्चन है, तो अगली बार इसका फाइनल वीडियो बना देंगे। और कुछ क्वेश्चन अभी लीडरशिप का भी, लीडरशिप के भी रह रहे हैं, उसका भी एक फाइनल वीडियो बनाना है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और उस बात को दोहराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जुटे रहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।